नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवम और प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर सियासी कसरत शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक तमाम पार्टियां सत्ता की चाबी हासिल करने को बेताब नजर आ रही हैं। ये दो राजनीतिक दल लगातार अन्य दलों से मिलकर एक दूसरे को पटखनी देने को तैयार हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे आ गए हैं। ये दो दल ही आपस में टकराते दिखे। बस फर्क इतना ही है कि 75 सीटों में बीजेपी को 67 सीटों पर जीत मिली तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। अब अगर ये 2022 का सेमीफाइनल है तो फाइनल की तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन अभी ये रास्ता बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात हुई वो बीजेपी के सामने एक नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर योगी सरकार की परीक्षा माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे रोज नए सियासी समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। यूपी की राजनीति किस दिशा में जा रही है, चुनाव से पहले किसका पलड़ा भारी है, ये तो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नेता अपने पुराने दल को छोड़कर नए राजनीतिक दलों का दामन थाम रहे हैं और जिस तरह से दो राजनीतिक दलों के नेताओं का मिलन हो रहा है, उससे साफ यही लग रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल अकेले चुनाव लड़ने की या तो हिम्मत नहीं कर पा रहा है या फिर मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच आपके सांसद संजय सिंह सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट ऑफिस में हुई। इस मुलाकात की सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। बता दें, सपा पहले ही नए नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। ये नारा है, नई सपा है, नई हवा है, यानी सपा अपनी पुरानी छवि को तोड़कर नई छवि के साथ चुनावी मैदान में आना चाहती है। और आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड सांसद संजय सिंह के साथ अखिलेश की मुलाकात राजनीति के गठबंधन की नई परिभाषा को गढ़ रही है। अखिलेश जी से हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और एक तारीख को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। आज जिला पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ है उस पर भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 25 जिला पंचायत अगर निर्विरोध हो रहे हैं तो ये सीधे सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपहरित किया है, यही कहा जा सकता है। अभी तो आज तो सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसीलिए आए थे। धन्यवाद। दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में पिछले दिनों दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल रही। सीएम योगी का दिल्ली जाना और दिल्ली के नेताओं का लखनऊ आना साफ बता रहा था कि कुछ अंदरूनी खिचड़ी पक रही है। और देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के नुमाइंदे लखनऊ में पैर जमाए बैठे हुए हैं। वहीं बीजेपी की नाव पर सवार होने को कुछ छोटे दल भी बेकरार नजर आ रहे हैं। बस बीजेपी उनको पटवार पकड़ने का मौका नहीं दे रही है। निषाद पार्टी उसमें से एक है जो बीजेपी का साथ तो देना चाहती है लेकिन सियासी शर्त पर। और बीजेपी पुरानी खिलाड़ी है, वो ये बात जानती है कि किसे कब क्या देना है। खैर, जिला पंचायत चुनाव का दंगल भी है और बीजेपी सपा में टक्कर भी। ऐसे में ये तो साफ है कि 2022 में ये दोनों पार्टियां मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। लेकिन बीएसपी को भूलना सियासी गणितज्ञों की बड़ी भूल साबित हो सकता है। बीएसपी शांत शांत सी जरूर नजर आ रही है, लेकिन उसके तरकश में कई सियासी तीर हैं जिसका इस्तेमाल वो 2022 के विधानसभा चुनाव में ही करेगी। वहीं कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी खोई जमीन तलाशने की
पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात तय है कि यूपी के चार दिग्गज बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के अलावा भी इस राजनीति के ओलंपिक में कई छोटे खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेल को बना और बिगाड़ सकते हैं, और ये बात बड़े खिलाड़ियों को अच्छी तरह से पता है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो तमाम समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आज जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जो नतीजे थे, उससे जो तस्वीर सामने आई, वो वाकई में ये साफ तौर पर दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना कमज़ोर समझना, या एक तरह से जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये मान के चल रही हैं कि कोरोना काल में जो भी चीज़ें हुई हैं, कोरोना काल में जो भी परिस्थितियां बनी, उसका फ़ायदा उन्हें मिल जाएगा, तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के 75 सीटों में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब आगे का रास्ता वो कैसे तय करेगी, क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आएंगे, 2022 से पहले क्या कुछ समीकरण बनेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। तो आज की चर्चा शुरू करें, उससे पहले मैं आपसे अपने मेहमानों का परिचय करा दूं कि आज हमारी इस चर्चा में कौन कौन शामिल हो रहे हैं। मैं आपका परिचय करा दूं, सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा कपीश श्रीवास्तव जी, थोड़ी देर में जुड़ेंगे क्योंकि किसी तकनीकी खामी के कारण वो अभी हम तक नहीं पहुंच पाए और हमसे नहीं जुड़ पाए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तुषार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वहीं दिनेश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफ़ी लंबे समय से वो देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के हालात आज बन रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी पैनलिस्ट का। और सबसे पहला सवाल मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष रख रहे हैं अश्विनी शाही जी, उनसे पूछना चाहूँगा और उनको मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आज 67 जिला पंचायत की सीटों पर आपने कब्जा किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आपको भी हमारी तरफ से बधाई। और निश्चित ही जो है, जब जीत होती है तो एक हर्ष का माहौल रहता है और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपार विजय प्राप्त की। आज सवेरे से कई चैनलों पर मेरा था और एक हम लोगों का 65 सीट का प्रेडिक्शन था कि 65 से ऊपर ही जीतेंगे और आज वो फलीभूत हुआ। सपा को ये पता चल गया कि सपा कहां पर है, उसको उसकी जमीन भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दी। और आज पूरे प्रदेश में हम लोग नहीं कुछ कह रहे थे, ये सपा और अन्य विपक्षी दल कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है और अगला फाइनल 22 में होगा। अब क्या कहेंगे वो कि फाइनल कौन जीत रहा है, सपा या भाजपा या बसपा या कांग्रेस, ये देखने वाली बात है शिवम जी। और आज का चुनाव और आने वाले दिनों का चुनाव, मैं बार बार कहता हूं कि ये किसी न जाति पर है, न धर्म पर है, न मजहब पर है, न पंथ पर है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्म योगी योगी आदित्यनाथ जी के कामों को लेकर है, जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार के रूप में उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए खड़े हैं, अपना विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को और भी बेहतर आयाम देखने को मिलेंगे, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 नजदीक है और बहुत जल्द हमें उसके नतीजे भी मिलेंगे। दिनेश पाठक जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, ये हमेशा कहा जाता है कि जो भी पंचायत चुनाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हावी रहता है, लेकिन 67 सीटें हासिल करना किस ओर इशारा करता है? शिवम, इसमें कोई बहुत स्पष्ट है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है और जिला पंचायत के चुनाव चूंकि बहुत सीमित वोटों के बीच में होते हैं, जिला पंचायत सदस्य वोट करते हैं, तो इसको मैं कतई आश्चर्यजनक रूप से नहीं देख रहा हूँ। अगर ये 67-68 भी होता, 69-70 भी होता, तो भी मुझे कम से कम आश्चर्य नहीं होता। जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश को देखने का तजुर्बा है, जिसकी सत्ता होती है जिला पंचायत अध्यक्ष पर, प्रायः उसका समर्पण भाव से वो एन के एन प्रकारेण चीजें उसके पास होती है।
तो इसको इस चुनाव को विधानसभा से जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का अपना अलग दृष्टिकोण है, लोकसभा का अलग दृष्टिकोण है, वो शाही साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, शायद आप भी जानते हैं। जी आज की विजय निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को वो विजय का एहसास होना चाहिए, क्योंकि 67 सीटें, 75 जिले, 67 जिला पंचायत अध्यक्ष चुनके हैं, तो बधाई तो बनती है और खुशी होनी भी चाहिए, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इस चुनाव से न तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव से जोड़ देना है और न समाजवादी पार्टी को या किसी और दल को निराश होना, क्योंकि बाकी दल इस चुनाव में शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस रायबरेली से जरूर थी जी, जो लंबे समय बाद उसने लूज किया है और उस सीट पर भी भाजपा आई है, तो बसपा लड़ी नहीं थी, कांग्रेस का बहुत ज्यादा वजूद नहीं था इसमें, चुनाव में भाजपा और सपा आमने सामने थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होगा तब स्थितियां दूसरी होंगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सामने 5 साल के काम को साबित करने की चुनौती होगी, जो भी दुश्वारियां आई, जो भी अच्छी बातें हुई, जो खराब बातें हुई। समाजवादी पार्टी विपक्ष जो है, विपक्ष ने भी 5 साल में अपनी भूमिका अदा नहीं की है, ईमानदारी की बात यह है, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो जी। कांग्रेस के पास चूंकि कार्यकर्ताओं का थोड़ा अभाव है, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष जरूर धरना प्रदर्शन करते देखे जाते हैं, ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर जो सक्रियता दिखती है, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का बेस चाहिए वो नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास जो बेस है, जो तैयारी है, उसके हिसाब से सबको 2022 में अगर संघर्ष करना है, लड़ना है सरकार पर, देखो सबको सरकार बनाने के लिए ही चुनौती है सबके सामने, सबको इसी बात के लिए लड़ना चाहिए जी। कोई भी पहलवान अगर अखाड़े में इस बात के लिए जाता है कि हम तो रनर अप होकर आ जाएंगे, तो वो उसकी भूल है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, या कोई भी पार्टी। दिनेश पाठक जी, आपने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हम अश्विनी शाही से भी यही पूछना चाहेंगे। अश्विनी शाही जी, पंचायत चुनाव से बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कौन सा रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ चीजें लेकर आप जनता के पास जाएंगे? अब शिवम जी देखिए, रिपोर्ट कार्ड हमारा 5 साल का, हम जनता के बीच में अपने कामों को लेकर जाएंगे। हमने जो 2 साल तो देखिए, इस हमारे 4.5 साल में 2 साल कोरोना के बीच में गए, अब कोरोना का हमने बेहतर मैनेजमेंट किया। हाँ, मैं इसको जरूर मानता हूं और आपके सामने कहना चाहता हूं कि संसाधन होते हुए भी कुछ थोड़ा सा हम कहीं चीजों को पहुंचाने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन समय रहते उस पर भी काबू पाया गया। आज उत्तर प्रदेश, एक दिन की बात, मुझे 2019 के बाद जब कोरोना आया था पिछली बार, तो हम लोग 1,000-2,000 टेस्ट के लिए और 10,000 टेस्ट के लिए तरस रहे थे, और आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन गया। वैक्सीनेशन की स्थिति देखिए, हमने कभी हाय तोबा नहीं मचाया, वैक्सीनेशन भी हम बढ़िया कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद भी, जैसे ही वो ठीक हुए, पूरे देश में कोई एक मुख्यमंत्री बता दीजिए जो अस्पतालों का दौरा कर रहा हो और गांवों का दौरा कर रहा हो। कोई जिला नहीं बचा जहां पर उन्होंने अनाज के बारे में ना पूछा हो, पैसे के बारे में ना पूछा हो, दवाई के बारे में ना पूछा हो, वहां के स्थिति के बारे में जानकारी ना ली हो। तो ये सबसे बड़ा काम है। हमने सड़कें जो हम बनाने का काम कर रहे हैं, जो कम बजट में, पहले कितना क्या था पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में सपा के साथी हमारे कहते हैं कहां चढ़ना है कहां उतरना है, उनको भी देखा, उन्होंने उस सड़क को किया था, लेकिन कितने हजार करोड़ की बचत हुई उसमें। हम लोगों ने बचत करने के बाद उस रोड को बनाकर तैयार कर लिया, अगले महीने देने जा रहे हैं। 5 हम हाईवे दे रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जमीन अधिग्रहण चालू है, गंगा एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, टाइम लगता है इन चीजों में। हमने एम्स खोलने की बात की थी भारत सरकार के द्वारा, 2 एम्स हमने खोला और दोनों चालू हो गए। हमने 30 मेडिकल कॉलेज की बात की थी जिसमें 13 चालू हैं, 3,000 सीटें उसमें बढ़ चुकी हैं। तो इस तरीके से एमएसएमई को ले लीजिए शिवम जी, एमएसएमई अपने उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसमें हमको रोजगार भी हमने दिया है। ओडीओपी हमारा जो है एमएसएमई से जोड़कर देखिए, उसको यूएसपी बन चुका है उत्तर प्रदेश का। देखिए योजनाएं तमाम थी अश्विनी शाही जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, योजनाएं तमाम थी, लेकिन धरातल पर वो चीजें आज भी नजर नहीं आ रही, और ये चीज आपने भी कबूल चल रही है कि शिवम जी, ये चल जो रही है। 4.5 साल का अभी तक का जो लंबा वक्फा था, उसमें 2 साल आपने माना कि कोरोना काल में वो चीजें नहीं हो पाई जिस तरह से आपकी पार्टी ने करनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ तुषार जी जुड़े हुए हैं। तुषार, यहाँ पर
टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है, आप अपने आप को कहां देखते हैं? देखिए, आज जो हमारा समाज है वो जाति धर्म और संप्रदाय में बटा हुआ समझ रहा है, लेकिन एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ना जाति की बात करती है ना धर्म की बात करती है, वो बात करती है सीधे जनता के मुद्दों से बात करती है। हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करते हैं हम शिक्षा की, बात करते हैं हम पानी की, बात करते हैं हम सड़कों की, बात करते हैं। जो काम हमने दिल्ली में किया है, हमने दिल्ली मॉडल का एक जो उदाहरण पेश किया है, 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और वही मॉडल हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे। जैसा कि अभी बीजेपी के हमारे भाई ने बोला, अपनी बहुत सारी योजनाएं बताई, तो मैं पहले कहना चाहूंगा बीजेपी जो कहती है उसमें बहुत अंतर होता है। आप देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में आई तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी बंगाल के चुनाव में बिजी थे। जब स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं तो वो आनन फानन उत्तर प्रदेश में आते हैं और आनन फानन जो वो फैसले लेते हैं वो सारी योजनाएं उनकी फेल हो जाती हैं। आप देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पतालों में बेड नहीं मिलते, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस जाते हैं, इतना ही छोड़िए लोग एम्बुलेंस के लिए तरस जाते हैं, लोगों को अपने पेशेंटों को अपने अपने साधनों से पहुंचाना पड़ता है। क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं, क्या ये इसकी पहले से तैयारियां नहीं कर सकते थे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। चलिए, ये भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन पाठक सर, हम आपसे एक चीज जरूर समझना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार इन चीजों को बहुत ही करीब से देखते चले आ रहे हैं। 2020 में और 2021 में कोरोना को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई, क्या 2022 में उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा? अभी ये कहना बहुत जल्दी होगी। अगर विपक्ष उसको ठीक से उठा पाया, अभी जैसे आम आदमी पार्टी के तुषार साहब ने बोला, अब ये बात ये भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए दिल्ली में इनकी अपनी सरकार है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की तो बैंड बजाई है, लेकिन अपने यहाँ जैसे ऐसा बता रहे हैं कि ऑक्सीजन और अस्पताल और बेड सब कुछ भरा पड़ा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम जब दोहरा चरित्र जीते हैं, जो हमारी राजनीति का बहुत घटिया चेहरा है कि हम दोहरा चरित्र जीते हैं, जब हमें किसी को ब्लेम करना होगा तो हम दूसरी बात करेंगे, जब अपनी पीठ ठोकनी होगी तो हम दूसरी बात करेंगे जी। मुझे इस मामले में अश्विनी साई साहब की बात बहुत गंभीरता से, साई साहब मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ क्योंकि आपने बहुत शालीनता से जो असुविधा हुई उसको स्वीकार किया। ये किसी भी दल किसी भी व्यक्ति को बड़ा बनाता है कि हमसे कोई चूक हुई है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर इसका भुगतान किसी न किसी रूप में, मेरी अपनी समझ से, जिन परिवारों में मौतें हुई हैं, जिन परिवारों में ऑक्सीजन की कमी से दिक्कत हुई है, बेड की कमी से दिक्कत हुई है, आप जिस आदमी से शिवम बात कर रहे हो जी, ये आदमी पहला मौका था इस कोरोना का जब इतना असहाय पाया कि मुझे अगर बेड किसी को दिलाना हुआ तो मैं बेड नहीं दिला पाया, चाहे वो दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। बिल्कुल, ऑक्सीजन का सिलेंडर अरेंज कराने में मेरे सामने मुश्किलें आई, जबकि मैं अपने को ऐसा पाता हूं कि मैं किसी की मदद करने की स्थिति में हूं। तो दिक्कतें हैं, तो उसका भुगतान किसी न किसी रूप में होगा, लेकिन वो भुगतान तभी हो पाएगा जब उसमें विपक्ष को अपनी बात को सलीके से रखना होगा, आरोप प्रत्यारोप फैक्ट जब सामने आएंगे तब स्थितियां दूसरी होंगी, और खाली गाल बजाने की बात होगी तब स्थितियां दूसरी होंगी। गाल बजाने से बात नहीं बनेगा, सपने देखना अच्छी बात है, सरकार बनाने की बात करना अच्छी बात है, लेकिन जमीन पर तथ्यों के साथ उतरना वो एक और महत्वपूर्ण बात है। अगर विपक्ष वो कर पाया तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ जरूर डेंट पड़ेगा, और अगर विपक्ष जैसे चल रहा ऐसे चला तो फिर रिजल्ट सबके सामने है। बिल्कुल तुषार जी, बिल्कुल सही बात कही है पाठक जी ने कि जिस तरह से चीजें विपक्ष को करनी चाहिए थी वैसी नहीं की, और आज आप जिस तरह की बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी कमी थी, उसकी कमी थी, बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन दिल्ली में भी हालात कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थे, तो आप कैसे इसका दावा कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर आप सत्ता में आते हैं, और मैं कैसे कह दूं कि आप सत्ता में, आप तो आज अखिलेश यादव जी से मिलने पहुंच गए, क्या माना जाए, गठबंधन होगा? देखिए, अखिलेश यादव से जो आज हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मिले, वो एक इनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, इसमें कोई भी गठबंधन की बात उन्होंने ना कही है ना ही आगे ऐसी कोई बात है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो जैसे कि अरविंद जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हम पूरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लेकिन बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे, लेकिन आज जो राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां घबराई हुई है कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं, तो मैं बोलता हूं ऐसी कोई बात नहीं, वो उनकी एक सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी जी। अश्विनी जी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर रहे हैं, तमाम खबरें आई, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप घबरा रहे हैं।
वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन घबरा रहा है। और मैं आपको जो है शिवम जी बताना चाहूंगा, हमारे आम आदमी पार्टी के भाई ने बहुत बढ़िया तकरीर दिया यहाँ, लेकिन कुछ याद दिलाना चाहूंगा दो बातें प्रमुखता से। पहली बात तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तो 5KD में एक पत्रकार वार्ता किया था उन्होंने। कोई चर्चा आई तो उन्होंने कहा कौन केजरीवाल, और अंत तक पत्रकार भाई हमारे सवाल पूछते रहे उनसे, और उन्होंने एकदम डिनाई कर दिया, यानी कि मैं केजरीवाल को नहीं जानता हूं। और आज राजनीतिक मजबूरी क्या हो गई कि जाकर संजय सिंह को उनसे मिलना पड़ा। ये राजनीति है, यहाँ संभावनाएं हरदम ताजा रहती है और जगी रहती है। जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं अब आता हूँ। देखिए ये अपने शिवम जी सुन लीजिए, इकट्ठा जवाब दे लीजिएगा, बहुत से सवाल अभी मैं करने वाला हूँ आपसे। मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ शिवम जी, अब आता हूँ मैं दिल्ली पर। केजरीवाल जी, यही केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोग मुंह उठाकर मुफ्त इलाज कराने दिल्ली चले आते हैं, और किस मुंह से वो आ रहे हैं यहाँ वोट मांगने, ये भी एक चर्चा को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 70 वादे किए थे। 70 वादों में फ्री वाईफाई का एक वादा था, कहा गया। सबसे बड़ा मुद्दा था इनका जन लोकपाल का, वो लागू हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में भी अब ये लागू करेंगे। तीसरा, उसके बाद आ जाइए, हमारे माननीय केजरीवाल जी ने कहा शिवम जी हम 1 रुपए सैलरी नहीं लेंगे हमारे सांसद और विधायक, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, ये वादा उन्होंने वहां किया जो यहाँ आकर निभाएंगे। उसके बाद आ जाइए, 4 लाख महिला कमांडो की भर्ती होगी, किया उन्होंने, दिल्ली को मिल गया, अब उत्तर प्रदेश को देंगे। और भी लंबी फेरिस्त है कि दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाएंगे, कितने बनाए वो बता दें। देखिए अश्विनी जी, वादा करना और वादा खिलाफी करना भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे, कहां गए वो 2 करोड़ रोजगार? शिवम जी इसका जवाब सुन लीजिए, उसमें और भी चीजें थी, क्या बताइए आप। आज अगर महंगाई अपने चरम पर है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? शिवम जी, महंगाई पर एक बार थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे और अच्छे पत्रकार हैं और हम लोग कई बार डिबेट पर बैठे हैं, आपकी विद्वता छिपी नहीं है, लेकिन महंगाई पर एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, महंगाई कब थी और कब नहीं है आज की। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन है, जरूरतें जो होती है, मूलभूत जरूरतें जो होती हैं, चाहे वो अनाज हो या फिर राशन का आना हो या कोई भी चीज, अगर हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे डीजल का। अगर डीजल की कीमत बढ़ती है तो जाहिर है कि उन सभी चीजों के दाम बढ़ते हैं। आज तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम, जो हम मस्टर्ड ऑयल, जो कि हम सरसों का तेल जिसे बोलते हैं, उसका दाम आसमान छू रहा है, 200 के पार वो पहुंच चुका है। शिवम जी, मेरा थोड़ा सुन लीजिए, मुझे जवाब भी सुन लीजिए शिवम जी, और सरसों के तेल पर ही जवाब सुन लीजिए जी। आज 8,000 रुपए सरसों बिक रहा है, किसान को फायदा हो रहा है, 200 रुपए अगर हम और आप खा रहे हैं, या तो किसान को कहिए कि 3,500 रुपए बिके तो हम लोग फिर 120 रुपए पर आ जाएंगे, फिर किसान चरित्र नहीं चलेगा। फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान को फायदा देना, जब किसान कंज्यूमर को इतना फायदा हो रहा है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान आंदोलन गलत कर रहा है, कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, ये डकैत है सब जो बैठे हुए हैं, ये बलात्कारी हैं, वहां पर हत्या हो रही है, कहां हैं आप? तो देखिए ना, लाल किले पर क्या हुआ, हिंसा हुई, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, उनको डंडों से पीटा गया, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग किसान नहीं है, असली किसान अपने खेतों में है शिवम जी। पाठक जी, आप इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। शाही जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो डके। आज 14 सीट हमने जीती है पश्चिम में। शाही जी 14 सीट हमने जीती है। शाही जी पाठक जी, शिवम सवाल रिपीट करिए प्लीज। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शाही जी ने अभी कहा जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो डकैत हैं। आप लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, आपने इस तरह की तमाम तस्वीरें देखी होंगी जहां पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, उनको डकैत तो नहीं कहा जा सकता,
उनका वो राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, वो डकैत नहीं हो सकते, क्योंकि आम किसान जो है जिसके सामने दाल रोटी का संकट है वो आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा तो इस समय नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग हैं आम किसान तो रोटी के संघर्ष से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, डीजल से जूझ रहा है, सिंचाई से जूझ रहा है, पशुओं के चारे से जूझ रहा है, अनाज से जूझ रहा है, खाने के पीने से जूझ रहा है। जो आम किसान है उसकी मुश्किलात बिल्कुल अलग हैं। आंदोलन से इतर अगर हम बात करते हैं तो उसके सामने जो संकट है वो बेटी की शादी का है, बेटे को कॉलेज भेजने का है, अपने पेट पालने का है। तो अब वो संख्या नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन आंदोलन चल रहा है। जो लोग भी आंदोलन में शामिल हैं वो देखो किसान की परिभाषा असल में हमने गड़बड़ कर दी है। मैं भी तो किसान परिवार से हूं जी, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे पास खेती है, लेकिन मैं अपने को किसान कहूं या अपने को पत्रकार कहूं या अपने को टीचर कहूं, क्या कहूं, मैं कंफ्यूज हूं। हमारे देश में 90% लोग, वो झूठ बोलते हैं, 90% लोग हमारे किसान परिवारों से आते हैं, लोग झूठ बोलते हैं को किसान पर, मतलब गांव से है तो बेइज्जती महसूस होती है उनको। हमें गर्व करना होगा कि हम गांव से हैं, हमारे गांवों को बचाना होगा, किसानों को बचाना होगा। शाही साहब और शिवम दोनों लोगों से मैं विनम्रता से एक फैक्ट बता रहा हूं। एक देश है इजराइल जी, इजराइल बहुत छोटा सा देश है और उस देश में 90% प्लस रेत है, हाँ, पठार है, हाँ, 5% में वो देश खेती की तकनीक विकसित करता है, अपने पूरे देश को पूरी आबादी को अनाज देता है, वो निर्यात करता है। इजराइल की तकनीक भारत में आती है और उसके सेंटर डेवलप किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और देश के 9 सेंटर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 सेंटर डेवलप किए गए हैं। उन 9 सेंटर पे कोई जाके देखे तो वहां से किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। लेकिन उन सेंटर्स का नाम लेवा नहीं है कोई, वो सेंटर्स अपने एक निश्चित दायरे में है, उनकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई उनको जानता नहीं है। जो किसान वहां तक पहुंच गए हैं उनको 1 बीघे जमीन में उतनी पैदावार हो रही है जो उन्होंने अपने जीवन में 15 बीघे में नहीं पैदा की थी, ड्यू टू इजराइल और उनकी तकनीक। असल में किसान, किसान को भी हमने मोहरा बना लिया है, वो हर पार्टी ने मोहरा बना लिया किसान को, और हर आदमी को लगता है वो उसका वोट है। तो वो जो नजरिया है वो गलत है मेरी नजर में। लेकिन लेकिन पाठक सर, एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि 2022 के चुनाव में किसान भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में डेंट जरूर करेगा। नहीं, इसको हम ऐसे नहीं कहते, मैं इसको ऐसे कहूंगा कि खाली किसान का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जब 17 का चुनाव लड़ा तब अखिलेश जी के खिलाफ लड़ा, अखिलेश की सरकार थी जी। अब एक सीधा फर्क आएगा कि अब योगी जी को अपने काम पर चुनाव लड़ना है, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, उत्तर प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस पर चुनाव लड़ना है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 325 सीटें जो आई थी उसका क्या कारण था, और इस बार 325 आएंगी या नहीं आएंगी ये उन्हें पता है, हमसे आपसे बेहतर पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रिसर्च का काम जो है बड़ा मजबूत है। उस तरह का नेटवर्क चूंकि किसी के पास नहीं है इसलिए बीजेपी को कोई गलतफहमी नहीं है, उन्हें पता है 325 सीटें लाना इस बार मुश्किल होगी, लेकिन फर्क पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है जी, फर्क से इनकार करना, दो कारणों से फर्क पड़ेगा, महंगाई का इंपैक्ट आएगा और कोरोना का इंपैक्ट आएगा। कितना फर्क पड़ेगा ये कहना जल्दबाजी होगी, मैं कहूं या शाही साहब कहें या शिवम कहें, कोई कहेगा ये बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इसका कन्वर्जन सीटों में जिस तरह से होगा उस तरह से देखा जाएगा, बट फर्क पड़ेगा जी। लेकिन इसकी जानकारी अखिलेश जी को भी है, मायावती जी को भी है, योगी जी को भी है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी है, ऐसा मैं मानता हूं जी। शाही जी, हम लगातार महंगाई की भी बात कर रहे हैं, तेल के दामों की भी बात कर रहे हैं, अगर इससे थोड़ा सा इतर आते हैं, एक चीज देखने को मिली अभी, आपने जितिन प्रसाद को अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनको पेश करना, क्या मजबूरी थी? ना तो जितिन प्रसाद इतना बड़ा चेहरा है, ना वो कांग्रेस में इतने बड़े पद पर थे, फिर क्या मजबूरी थी जो उनको अपनी पार्टी में लाके एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश किया गया? देखिए, राजनीति में हर चीज को मजबूरी से देखकर तोलना नहीं चाहिए शिवम जी जी।
और ना हम लोगों ने कभी देखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास ब्राह्मण चेहरों की कमी नहीं है, ब्राह्मण नेताओं की कमी नहीं है। हाँ, इसको जरूर मानना होगा कि जितिन जी कांग्रेस में के एक कद्दावर नेता थे, उनकी वहां पर पूछ नहीं थी, उनका सम्मान नहीं था। तो अगर हमारे पास एक ब्राह्मण चेहरा है आया हमारे पार्टी के नीतियों में आस्था जताते हुए, अगर वो आए हैं हमारे पास, तो उनको वो काम दिया गया। अब लोग कयास लगा रहे थे ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा, आप एक लाइन से गिन लीजिए हमारे पास क्या ब्राह्मण चेहरों की कमी है। लेकिन जिस व्यक्ति का सम्मान कहीं नहीं है उसको सम्मान दिया गया भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अगर आस्था जताया है, तो हर चीज मजबूरी नहीं होती है, वही चीज जरूरी होती है, सम्मान देना भी। आपको मैं यहाँ बैठा हूँ शिवम जी, मैं आप भी कह रहा हूँ, कई लोग आते हैं आप देखिए कई मीडिया चैनलों पर एक दूसरे से व्यक्तिगत हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, तो वो सम्मान नहीं होता है जी। तो वो मजबूरी भी नहीं है उनकी, इसको समझना पड़ेगा। और राजनीति में मैंने पहले भी कहा, संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, कभी किसी को सम्मान देना। एक सवाल एक छोटा सा है, जैसे पाठक जी बहुत बढ़िया समीक्षा कर रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 325 सीट जीता, उसमें क्या सिर्फ ब्राह्मण ने वोट दिया था, सिर्फ बनिया ने वोट दिया था, सिर्फ राजपूत ने वोट दिया था, या सिर्फ ओबीसी ने दिया था? हमको सबने दिया था, हमको दलित ने भी वोट दिया था, हमको क्या नाम है ओबीसी ने भी दिया था, हमको मुस्लिम का भी वोट मिला था, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो सबको मिलाकर हम 300 से ऊपर सीट जीते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण ध्वस्त किए थे, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हमको समीकरण ध्वस्त करना था। जो जातियों की जैसे सपा है उसको हम, इस सपा को हम यादव महासभा कहते हैं, मुस्लिम का मोह भंग उससे हो चुका, ब्राह्मण जाएगा नहीं, राजपूत की सबका सम्मान नहीं है वहां, वहां मुलायम सिंह एंड संस के का सारा मामला है। तो इस चीज को समझते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। शायद इसीलिए आपने 25 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया है, और बसपा का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं आप सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सीधा कहा है कि मुझे दलितों का वोट भी मिला है, भीमराव अंबेडकर जी किसी के पेटेंट थोड़ा ही कराए हुए हैं, उस देश की धरोहर है, इस देश की संपत्ति है। ऐसा मत कोई समझे कि भीमराव अंबेडकर जी किसके अकेले हैं, हाँ उन्होंने जिस समाज में जन्म लिया था और जहाँ के थे वो, जो लोग मानते हैं वो भी माने, हम भी मानेंगे। लेकिन शाही जी, लखनऊ देश की धरोहर है, लखनऊ के अंदर भीमराव अंबेडकर की तमाम मूर्तियां लगी हैं, क्या जरूरत आन पड़ी 25 फीट ऊंची प्रतिमा की, वो भी लखनऊ के अंदर? अब सरदार पटेल की मूर्ति तो पूरे भारत में कई जगह लगी हुई है, क्या जरूरत थी इतनी ऊंची मूर्ति लगवाने की? नहीं, ये भी एक सवाल है। तो देश में सड़कें तो बनी हुई है, क्या जरूरत है दूसरी सड़क बनाने की? आज के समय में प्रतीकात्मक राजनीति हर दल कर रहा है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। पाठक जी, एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कितना फर्क पड़ेगा? जितिन प्रसाद बहुत एवरेज लीडर हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, वो बात सही है, बहुत एवरेज लीडर हैं। उनके आने से या नहीं आने से दोनों सूरत में भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। जितिन प्रसाद साहब को थोड़ा फायदा जरूर मिल जाएगा, हो सकता उन्हें MLC बना दे, हो सकता उन्हें मिनिस्टर बना दे, हो सकता उन्हें राज्यसभा भेज दे, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है कि वो उनको क्या करती है। बट कोई बहुत बड़ा भाई, वो कब से जन नेता हुए, वो जन नेता नहीं है। जितिन प्रसाद जी हमारे व्यक्तिगत तौर पर हमारे उनसे रिश्ते हैं, वो जन नेता नहीं कभी रहे, वो तो उनको चांदी के प्लेट में सजा के राजनीति मिली और उसमें वो पिताजी के स्वर्गवास के बाद उनको मिल गया, कांग्रेस सरकार में थी इसलिए मिनिस्टर बन गए। तो वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है, उसको वो भी जानते हैं और इसको भाजपा भी जानती है। हाँ, तो ये मानना तय, ये यकीनन कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तुषार जी, लगातार इस बात पर चर्चा होती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्ष है वो पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा। आज हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद नहीं है यहाँ पर, उनका काफी देर से इंतजार किया जा रहा था लेकिन नहीं आ पाए, इसके लिए मैं भी माफी चाहता हूं। और लेकिन तुषार जी, आपसे ये सवाल बनता है कि जब कोरोना काल आया और तमाम हम महंगाई भी देख रहे हैं, आप उस तरह से क्यों नहीं हमला कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्यों विपक्ष की भूमिका में नहीं नजर आ रहे हैं? शिवम जी, पहले तो मैं चुप, जैसा कि मेरे भाई ने भी बोला कि हमने दिल्ली में 500 स्कूल नहीं बनाए, वाईफाई नहीं लगाई, तो मैं शायद बताना चाहूंगा, इनको अभी पूरी जानकारी नहीं है, हम हमारे दिल्ली क्या मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए,
जितनी भी बातें हमने बोली हैं वो बातें हमने पूरी की हैं दिल्ली के अंदर, और उत्तर प्रदेश में जहां पे आज विपक्षी दल एसी के कमरों से बैठ के ट्विटर का गेम खेल रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के रासवा सांसद संजय सिंह ने जिस तरह विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे वो कोरोना काल में हो, उन्होंने कोरोना काल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो उन्होंने उजागर किया, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमने उत्तर प्रदेश में की हैं। अभी माननीय राज्यसभा सांसद जी ने अपनी अपने सैलरी के वेतन से 1,00,000 रुपए दे के एम्बुलेंस से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जो कि हमारे बीजेपी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको रोकने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। आप देखिए, अभी बहुत से आपने देखा होगा नदियों में लाशें बह रही थी, जिसमें कि विपक्ष ने उस पर कोई भी, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उसने कोई भी एक एक्शन नहीं लिया, लेकिन हमारे राज्यसभा सांसद जी ने वहां पर भी जाके शमशान घाटों में जाके निशुल्क लकड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई। तो उस समय ये भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल हमारे कहां पे थे जब ये काम हम उत्तर प्रदेश में कर रहे थे? क्या शिवम जी, तीन बातें कहेंगे जी, शिवम जी जी तीन बातें कहना चाहूंगा हमारे आम आदमी के भाई यहाँ पर जो है बोल रहे हैं, मैं इनको तीन बातें सिर्फ बताऊंगा। अभी उन्होंने कहा हमारे घोषणा पत्र में ये है, वो घोषणा पत्र में इनके था कि हमारे, मैंने पहले भी चर्चा किया, हमारे मंत्री और विधायक एक पैसे की सैलरी नहीं लेंगे। इन्होंने कहा कि सैलरी के पैसे से एम्बुलेंस खरीद दिया, सैलरी नहीं लेंगे, घोषणा पत्र में था। दूसरा, पूरा समाज जानता है कि इनको 1,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलना था, और वो मोहल्ला क्लिनिक कितने खुले, 600 भी नहीं पहुंच पाए, और आज उसकी क्या दुर्दशा है किसी से नहीं पता। आप पता कर लीजिए, आपके जानने वाले दिल्ली में होंगे, वहां पे आप पता कर लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो आज विदेशों में चर्चा हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की, दिल्ली मॉडल की। शिवम भाई कभी हो रही होगी मैं नहीं जानता, लेकिन तो आपको आप बोलिए ना, आपको चीज नहीं पता है। 1,000 होना था, 600 भी नहीं खुला, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। और अभी शिवम जी, एक मैं डिबेट में था, उसमें आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता थे हमारे साथ, उन्होंने अपने मुंह से कई बार कहा इनके 2.5 लाख हमने वो लगा दिए, कैमरे लगा दिए, पूरे दिल्ली में 2.5 लाख कैमरे लगा दिए। 18 लाख कैमरे का वादा था 2013 से, 18 लाख कैमरे में 2.5 लाख लगा दिया इन्होंने, मैं मानता हूं, लेकिन 2.5 लाख के बाद उनके कहने में ही मान लेता हूं, तो 2.5 लाख, 18 लाख कहां गए? उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, पूरे दिल्ली में पानी की समस्या है, 2013 से आए थे, एक मैं वीडियो देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा कि 2013 जब सरकार पहली बार आई थी, मैं 2 साल में दिल्ली को स्वच्छ पानी दूंगा, फिर अगले चुनाव में भी वही भाषण, 2 साल लग जाएंगे, और अभी भी जो चुनाव हुआ है उसमें भी 2 साल लग जाएंगे, 2022 या 24 तक पानी देने की बात कर रहे हैं। तो ये है इनके वादे, लेकिन 23 करोड़ जनता का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये 2 करोड़ की जनता का प्रदेश नहीं है। यहाँ लोग समझते हैं, यहाँ घर घर में नेता हैं, यहाँ घर घर में लोग हैं, आपकी दाल नहीं गल रही है भाई। आप लोग देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप चुनाव लड़िए, गठबंधन कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन झूठे वादों पर नहीं करिए। इतने वादे झूठे मैंने गिना दिए जो आपके मुख्यमंत्री ने किए थे जी। पाठक जी, आपसे एक चीज समझना चाहते हैं, आज जिस तरह से संजय सिंह ने और अखिलेश यादव ने मुलाकात की, अगर वाकई में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ सकती हैं? नहीं, उससे को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, आम आदमी पार्टी को भी पता है, संजय जी को भी पता है कि उसका उत्तर प्रदेश में बेस क्या है, तो उससे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है ये बात बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी को अखिलेश जी के साथ जाने का फायदा मिल सकता है, हो सकता है अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आम आदमी पार्टी नहीं है, हो सकता है 2 सीट 4 सीट 5 सीट उसके हाथ लग जाए, ये तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। मतलब तुषार जी जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो भी नेता है, उनको बोलना चाहिए और सरकार बनाने के इरादे से ही चुनाव में आना चाहिए, वो अच्छी बात है, ठीक बात। लेकिन जमीनी हकीकत पे भी हमें रहना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश में भी इकाइयां तक तो है नहीं, संगठन उतना मजबूत नहीं है तुषार जी। भाई समाजवादी पार्टी का संगठन आज की तारीख में मजबूत नहीं है जी, जबकि वो तो बहुत जुझारू पार्टी है, तो मुलायम सिंह यादव साहब ने खड़ी की, अपने खून पसीने से खड़ी की है, बिल्कुल ठीक बात है। वो पार्टी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो आम आदमी पार्टी को तो अभी नई पार्टी है, समय लगेगा, भगवान करे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बने, लेकिन अभी 2022 में बनने जा रही है, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तुषार जी, आपको अभी जमीन तैयार करने की जरूरत है, ना कि गठबंधन करने की।
देखिए पहली बात तो गठबंधन की बात मैंने बोली नहीं, दूसरी चीज जैसा कि अभी हमारे भाई ने बोला संगठन को लेके, तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही लेके उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रही है। अभी हाल में एक चुनाव जिला पंचायत के चुनाव हुए थे जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने कम से कम 93 जिला पंचायत सदस्य जीते उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें कि हम एक उभरती हुई पार्टी के तौर पर आए और चौथे नंबर की पार्टी हम बन के सामने आए। तो आज आम आदमी पार्टी अपने संगठन पे पूरा जोर दे रही है, जिसके लिए हम लोग 8 जुलाई से अपना एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं जिसमें हम लोग 1 करोड़ सदस्य बनाने का पूरा पूरा हमारा लक्ष्य भी है। और जैसा कि आपने बोला कि संगठन संगठन हम मान रहे हैं संगठन बहुत जरूरी होता है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में बन चुका है। इकाइयों की बात करें तो कुछ जगह पे जहां पे नहीं है वहां पे हम बनाने का पूरा काम कर रहे हैं जी। चलिए तो आप भी अपनी रफ्तार और तेज करिए और उम्मीद करते हैं कि आप भी विपक्ष की जिस तरह की भूमिका जनता उम्मीद कर रही है उस भूमिका में भी आप आएंगे। शाही जी, हम 2022 के चुनाव के बेहद नजदीक खड़े हुए, कौन कौन से वो काम है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार तक हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं, हमने काम किया है, जनता के लिए काम किया है। आज वो भयावह स्थिति हो सकती थी अगर कायदे का समय पर सही फैसले न लिए गए होते। कोरोना काल में बहुत सही फैसले लिए गए, ऑक्सीजन के लिए कभी हाहाकार जो है कि हमको केंद्र नहीं दे रहा है हमने नहीं मचाया, लेकिन फिर भी हमने जनता की सेवा की। हमें हमारे पास संसाधन थोड़े शुरू में मैंने पहले भी कहा वो शुरू में नहीं थे, सामान था संसाधन नहीं था, हम पहुंचा नहीं पाए, बाद में हमने पहुंचाना शुरू किया। उसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान में एक चलन हो गया है कि अपने ही देश को बदनाम करना, अपने ही प्रदेश को बदनाम करना, कि हमारे यहाँ विरोध का जो एक तथ्यात्मक तरीका होता था, एक मजबूत तरीका होता था शिवम जी, वो अब नहीं रहा किसी भी राजनीतिक दल में। विरोध होता है विरोध करने के लिए, अगर लेकिन जो विरोध करते हैं उनको तो आप देशद्रोही करार देते हैं, जो विरोध करते हैं उनको तो आप खुद ही देशद्रोही करार देते हैं। किया और इसका इसका जवाब सुन लीजिएगा शिवम जी जी, आज किसान आंदोलन की बात हो रही है, कश्मीर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इन दोनों का कोई नाता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी किसान भाई वहां किसान नेता जो बैठे हुए जिनको मैंने डकैत कहा, अभी पाठक जी ने सुधारा, चलिए मैं कहता हूं डकैत नहीं है लेकिन मैं उनको देशद्रोही कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? भारत के अभिन्न अंग को 370 हटाने का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया उससे किसान आंदोलन का क्या नाता है? वो कह रहे हैं कि वो 370 गलत हटा, हम ऐसे आदमी को देशद्रोही नहीं कहेंगे तो देशभक्त कहेंगे, जो अपने अखंड भारत की बात ना करे, जो अपने देश के मुकुट की बात करे कि हमारा 370 वहां गलत था, उसको नहीं हटाना चाहिए था, गलत हुआ, इसको क्या कहेंगे हम? तो जी, इसको कहना पड़ेगा इस तरीके की बात। अपने अपने हिंदुस्तान में 370 किसी भी दल की मैं कह रहा हूं हैसियत नहीं थी कि वो हटा देता, क्यों? कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करता था, वो एक जाति विशेष की राजनीति करता था। और आज की बात है जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जब से हम लोग का उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हम लेकर चले हैं राम मंदिर 370 हमारे घोषणा पत्र में हुआ करता था, हमने हटाया उसको, ये निर्णय लिया एक मजबूत निर्णय जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने सीना ठोक कर कहा कि पीओके और अक्साई चीन भी हमारा है और उसके लिए हम सर काट भी देंगे और कटा भी देंगे। इस तरीके की बात होनी चाहिए। किसान आंदोलन में आप बैठे हैं और 370 की मुखालफत कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारे प्रबुद्ध लोग हैं शिवम जी। लेकिन लेकिन देखिए शाही जी, ये हम और आपसे किसी से भी कोई बात छुपी नहीं है कि ज्यादातर जो किसान, हो सकता है कुछ एक किसान है जो इस तरह की बात किए हों या उनकी तरफ से कुछ बयान आया हो, लेकिन आज भी किसान उन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा उनकी कोई मांग नहीं है, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या मांगे उन्हें, बस यही तो मांगे हैं। उसको भी आप पिछले 7 महीने से नहीं निपटा पा रहे हैं, आपने आपने उनसे बात करना तक ठीक नहीं समझा, आखिरी मुलाकात आपकी जनवरी में हुई थी 22 जनवरी को, उसके बाद आपने उनसे मुलाकात तक नहीं की, आप कहते हैं कि हम उनसे एक फोन कॉल की दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप खुद अपनी तरफ से एक फोन कॉल नहीं कर पा रहे हैं। माना कि अगर उन वो जिद्दी हैं, वो बच्चे हैं, छोटे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप सरकार में, आप सत्ता में, कुछ तो समझना चाहिए आपको।
शिवम जी, किसान हमारा अन्नदाता था, है और रहेगा, इसको कोई काट नहीं सकता। जैसा कि अभी पाठक जी ने कहा कि आप, वो भी किसान के बेटे, तो मैं भी किसान का, मेरा भी बाप किसान, हम हर आदमी जो खेती करता है वो किसान है। लेकिन ये जो तथा कथित उनके अगुवाई अगुआ और नेता बैठे हैं, आपने शिवम जी दो चीज कहा कि किसी ने कह दिया हो, किसी ने नहीं कहा है, राकेश टिकैत ने कहा है, जो आज उन किसानों की रबरी कर रहे हैं, आज वो किसान के नेता बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास तो चंदा आ रहा है, ऐश कर रहे हैं, चोरी की बिजली जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो उनके रास्ते में आ रहा उसको पीट रहे हैं। उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। बिजनौर में उन्होंने जिला पंचायत में एक प्रत्याशी भी खड़ा किया था, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रत्याशी बिजनौर में खड़ा था। आप कह रहे हैं कि किसान से आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे, और आप ही ने कहा 22 जनवरी को अंतिम वार्ता हुई। 11-12 दौर की वार्ता किसने इनिशिएट की, जब हमारे किसान भाई एक अच्छे मनोभाव के साथ आते थे, उनसे वार्ता होती थी, उनके साथ हमारे माननीय मंत्री जी लोगों ने खाना खाया, उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था, उनकी दो चार मांगों में दो मांगों को मान लिया गया। अब वार्ता जब होती है तो द्विपक्षीय होती है, पक्षीय कभी नहीं होती है। इनको भी आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ, ये जिद में तो अड़े हुए हैं कि नहीं किसान का कानून वापिस होगा तब, और लड़ किससे रहे हैं, संस्था सरकार, वो सिस्टम से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, जिसको जिस घमंड से लड़ा जा रहा है। और अभी भी मैं कहता हूं कि 22 जनवरी को बैठक हुई, 26 जनवरी को किस तरीके से गणतंत्र की हत्या की गई ये सब लोगों ने देखा, लाल किले पर चढ़कर जिस तरीके से कांड हुआ, ट्रैक्टर रैलियां, किस तरीके से जो है एक आदमी को जिंदा जलाया गया, अभी उमेश या क्या नाम था उस लड़के का, ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब किसान आंदोलन से किसान निकल गए हैं, ये आंदोलन जीवी वहां बचे हुए हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए हर बॉर्डर पर 10-20-25 बैठे हुए हैं। अगर वो आएंगे, अभी भी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि अगर आप बिल वापसी की मांग छोड़िए और मेरे पास आइए, आपका स्वागत है। ये जिद करते रहेंगे तो 200-400 साल बैठे रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा रहे हैं। गए थे बंगाल, 3 से हम 77 सीट पाए, उत्तर प्रदेश में भी सरकार गिराएंगे, और 24 तक राकेश टिकैत कह रहे हैं ना कि 24 तक हम बैठेंगे, बैठे रहो भाई, किसान भी समझ गया है। बीएम सिंह क्या थे, वहां के किसान थे, वो वहां से आंदोलन वापस लेकर घर गए। आपने तमाम चीजें कही और तमाम आरोप किसानों पर लगाए और राजनीतिकरण की भी बात कही। पाठक सर, क्या वाकई में किसान आंदोलन का अब राजनीतिकरण हो गया है? हाँ, बिल्कुल हो गया है। किसान आंदोलन किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। कौन उनको बैक कर रहा है ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, सारी एजेंसियों के पास ये जानकारी है। और राजनीति से प्रेरित होके जब कोई काम होगा तो फिर दिक्कत होगी। किसान को जो समस्या है, किसान की अब सुन कौन रहा, किसान को सुनने वाला तो कोई है नहीं। किसान कल भी गरीब था, जब शिवम तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी गरीब था, आज भी गरीब है और कल भी वो वही रहने वाला है। किसान की आय दोगुनी होने का, तीन गुनी होने का, चार गुनी होने का कांग्रेस से फैसला होता आ रहा है, हुआ नहीं है। किसान को इतनी मेहनत करता है वो, 28 से 30 रुपए किलो आटा मिलता है बाजार में आशीर्वाद का। किसान को गेहूं का रेट सबको पता क्या मिलता है, ठीक बात है। किसान आज भी सेंटर पर जाता है जब गेहूं बेचने अपना सरकारी केंद्रों पर, तो उसकी उसको कभी गीला कह दिया जाता, गीला कहकर उसको लौटा देते हैं सरकारी एजेंसी। और वो इसलिए लौटाती है कि वो कुछ थोड़ा सा वहां झुक जाए, थोड़ा उनको पैसे दे दे, तो वो गीला फिर सूखा भी हो जाता है। ये जो किसानों की समस्या है असल में नीचे से चली आ रही है, भ्रष्टाचार हमारे नीचे जड़ों में समाया हुआ है और तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी भ्रष्टाचार कोई ऐसे नहीं है। भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा तब तक किसान की मदद नहीं होगी। किसान को टेक्नोलॉजी की जरूरत है, किसान को कोऑपरेटिव से जोड़ने की जरूरत है, किसान को संसाधन इकट्ठा करना होगा कि उनको एक गांव में हमने इकट्ठा किया, 100-100 रुपए चंदा लगाया, 1000-1000 रुपए चंदा लगाया, एक गाँव में इस समय जमीन है कितनी। हमारे छोटे किसान, हम उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों का राज्य है, 25 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे जमीन है। 100 बीघे वाले के पास ट्रैक्टर हो सकता है लेकिन 5 बीघे वाले के पास ट्रैक्टर नहीं है। अगर 5-5 बीघे वाले 10 किसानों को जोड़ के हम एक कोऑपरेटिव सिस्टम बना के उसको एक ट्रैक्टर दे दें, सबकी जमीन हो जाएगी, सिंचाई के साधन हो जाएंगे,
शिवम जी किसानों के साथ रेप करने का एक उदाहरण बता रहा हूं, उसको जान लो जी। पत्रकार और नोट रखो। बिल्कुल। सन 1978 में बहराइच जिले से एक सरजू नहर परियोजना की शुरुआत हुई। आपको जान के दुख होगा, सन 78 में आप कहीं थे भी नहीं इस दुनिया में। वो परियोजना आज भी पूरी नहीं हुई है। इस दौरान कांग्रेस ने भी रूल किया, मुलायम सिंह साहब ने रूल किया, बहन मायावती जी ने रूल किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी रूल किया। वो सिंचाई की परियोजना आज भी पूरी नहीं हुई है, जबकि उससे 16 जिलों को सिंचाई होनी थी। मेरे पास कितने हेक्टेयर जमीन है इसका अंदाजा नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत रोचक बात गोंडा और बहराइच के किसान कहते हैं कि बाबूजी हमारी नहर तो नहीं बनी लेकिन गोमती नगर बस गया। 78 में जो जूनियर इंजीनियर भर्ती हुआ था वो रिटायर होकर अपने घर में आ गया है और एक परियोजना अधूरी की अधूरी पड़ी हुई है। ठीक बात है। तो किसान की प्रायोरिटी को समझना हो तो आप एक टेस्ट केस में बता रहा हूं, इस पर जिसकी मर्जी हो, भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार, जिसकी मर्जी हो वो देख ले। ठीक बात। कुछ 100 करोड़ रुपए में यह परियोजना पूरी होनी थी। मेरी अंतिम जानकारी जो है वो कोई 9,000-10,000-12,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो चुका और परियोजना अभी भी अधूरी है। ठीक बात है। तो शाही जी, जिस तरह से पाटिल सर ने कहा कि वाकई में जो हमारी जो प्राथमिकता है, तो शायद किसान हमारी प्राथमिकता में आते ही नहीं है। शायद यही वजह है कि किसान आज इस हालत में है और इसी वजह से वो इतना आंदोलन भी कर रहे हैं। अगर MSP की बात की जाए तो MSP भी सरकार ने उनको मुहैया नहीं कराई। पिछले एक साल में अगर खरीफ की फसल की बात की जाए तो सिर्फ 1.5% MSP में बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ 1.5% MSP में। शाही जी। जी शिवम जी, देखिए अभी पाटिल जी ने जो कहा उसका एक अंश था गेहूं, MSP की बात ही किया उन्होंने कि गेहूं 18-20 रुपए किलो बिक रहा है और 30-32 रुपए आटा बिक रहा है। यहाँ पर मामला यह आता है कि इसको एक जिस तरीके से स्ट्रक्चर सीमांत किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया उसी बिल का विरोध किया गया। और जब माननीय कृषि मंत्री जी ने पूछा कि भाई इस बिल में काला क्या है, तो वही जो किसान तथाकथित तो वहां बैठे हैं, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरे अन्नदाता हैं, मैं तथाकथित आंदोलनकारियों की बात कर रहा हूं, उनके भी नुमाइंदे वहां जो सदन में थे, जिसमें कांग्रेस के भी थे और अन्य दलों के भी थे, किसी ने नहीं बताया कि काला क्या है उसमें। बाकी हर जगह गुपचुप बैठकर उन्हीं आंदोलन जीवियों से जाकर बात किया जाता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव या कोई भी हो, सब लोगों के नुमाइंदे पहुंचे और सब लोग पहुंचे वहां। 18-20 रुपए अगर हम MSP दे, तो किसी तकनीकी खामी के कारण हमारा संपर्क हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अश्विनी शाही जी, उनसे टूट गया। बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, मैं आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा आपका फाइनल कमेंट क्या है, आप 2022 में आम आदमी पार्टी को कहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में? जैसा कि 2022 में जो काम हमने दिल्ली में किए हैं, दिल्ली मॉडल हमने जो एक बनाया है, अगर उत्तर प्रदेश में हम 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर हमारी सरकार बनती है तो वही सारी चीजें हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे जो हमने दिल्ली मॉडल की है। हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे, हम पानी पे बात करेंगे, हम सड़कों पे बात करेंगे, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे, जो मैनिफेस्टो होगा वो हम पूरी चीजें उनमें पूरा करेंगे। बिल्कुल। पाठक सर, आज से 7-8 महीने बाद की स्थिति हम नहीं जानते कि आखिर क्या स्थिति होगी, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों में से 67 सीटों पर कब्जा किया है, क्या हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से एक कदम आगे? पाठक सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो माफी चाहूंगा, तकनीकी खामी के कारण हमारे दोनों मेहमानों का संपर्क हमसे टूट चुका है, लेकिन जाते जाते मैं अपने जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे साथ जो भी मेहमान जुड़े, दिनेश पाठक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो उन्होंने भी अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि केंद्र की सत्ता का रास्ता भले ही यूपी से होकर गुजरता है और शायद यही वजह है कि कोई भी दल यहाँ की सत्ता हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार है, फिर चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो
या कांग्रेस, जो अब तक अपने संगठन को यहां पर मजबूती प्रदान नहीं कर पाए। चुनाव अगले साल होने हैं और हर दिन बदलती हवा को देखते हुए कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन 22 में सत्ता पर काबिज होगा। नमस्कार।